हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अदाकारा जया बच्चन ने अपने करियर में एक से एक बेहतरीन किरदार निभाए। साल 1963 में सत्यजीत रे की फिल्म महानगर से अपने करियर की शुरुआत करने वाली जया बच्चन 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। आज उनका जन्मदिन है। पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से त्रस्त है। भारत में इस जानलेवा वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5000 के पार हो गई है। एक तरफ जहां लोग संगठित होकर इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस बीच अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में जुटे हैं। सोशल मीडिया पे कई लोग कह रहे हैं कि पालतू जानवरों की वजह से कोरोना हो सकता है। इसके बाद कई लोगों ने अपने अपने पालतू जानवरों को छोड़ दिया है। ऐसा करने वालों को बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने फटकार लगाई। लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजमर्रा की दिक्कतें तो हो रही हैं, वहीं इस दौरान मानसिक तनाव की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच तमिल सिनेमा की दिवंगत अभिनेत्री मनोरमा के बेटे भूपति ने नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस के कहर के चलते पूरे देश लॉकडाउन है, जिसकी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इस समय सभी सेलिब्रिटीज अपने घर में ही रहते हुए परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। इसी बीच कई अभिनेता या अभिनेत्री अपने परिवार से दूर विदेशों में ही फंस गए हैं। इन्हीं में से एक है संजय दत्त, जो इस समय अपने परिवार से दूर मुंबई में अकेले रहने को मजबूर है। हॉलीवुड के बाद अब बॉलीवुड में भी कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। सिनेमा जगत के नामचीन फिल्म निर्माता करीम मोरानी भी अब कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। याद दिला दें कि करीम की छोटी बेटी शजा मोरानी और बड़ी बेटी जोया मोरानी पहले ही कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।